खरगोन जिले के बढ़वा एनिमल वेलफेयर सोसाइटी के सदस्यों ने सनावत थाना पहुंचकर थाना प्रभारी सोनी को श्वान की सेवा के लिए सम्मानित किया। श्वान प्रजाति, जिसे बोलचाल की भाषा में कुत्ता कहा जाता है, यह एक ईमानदार और वफादार पालतू प्राणी होता है। सनावत के थाना प्रभारी प्रतिदिन कुत्तों को भोजन और बीमार प्राणी की दवाइयों की व्यवस्था करते हैं। जहां खरगोन जिले से सनावत तहसील के थाना प्रभारी राजेंद्र सोनी प्रतिदिन सड़क पर पशुओं की सेवा, सहयोग और भोजन की व्यवस्था करते हैं। सनावत टीआई सोनी ने अपने परिवार में विगत कई वर्षों से पशुओं के लिए की जा रही सेवा और उपचार के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि कुत्ते हमारे परिवार के सदस्य होकर हम पर आने वाली हर प्रकार की परेशानी, मुसीबत को दूर करने में सहयोग करते हैं। सनावत से प्रभु कुमार दोगिया की रिपोर्ट। देखिए, मेरा सनावत बढ़वा के सभी नागरिकों से निवेदन है कि जो डॉग्स हैं, श्वान हैं, जिन्हें हम आम भाषा में कुत्ते कहते हैं, एक तो उन्हें कुत्ता कहना बंद करिए। वो बहुत अच्छा प्राणी है, उसमें ज़बरदस्त पॉजिटिव एनर्जी होती है। और ये मेरा अनुभव है कि यदि आप किसी एक भी गली के कुत्ते को, श्वान को, दोनों टाइम रोटी देते हैं और यदि उसको इस बात का आभास हो जाता है कि आप उसके मास्टर हैं, तो आपके और आपके परिवार पे आने वाली हर प्रकार की मुसीबत, बलाए, सब अपने आप दूर होती है। और जो एक्सीडेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं, वो डॉग्स में इतनी इंट्यूशन होती है कि वो आपकी वेव्स, आप यहाँ से हज़ारों किलोमीटर दूर भी होंगे तो उसको मिलती हैं। यदि आप किसी प्रकार के खतरे में हैं, एक्सीडेंट होने वाला है आपका या गिरने वाले हैं, तो डॉग अपने आप को यहाँ पर, आपका जो डॉग है वो अपने आप को हिट करेगा यहाँ पे। यदि आपके ऊपर प्राणघातक एक्सीडेंट है तो वो अपनी जान देगा किसी गाड़ी के नीचे आकर, लेकिन आपको बचाएगा। और ऐसे एक दो उदाहरण नहीं, कम से कम 5-6-7-8 उदाहरण मेरे परिवार में और मेरे मित्रों के यहाँ ऐसे हुए हैं जिसमें उन घरों में अच्छे खासे स्वस्थ डॉग्स ने अपनी जान दी है। और पता करेंगे तो पता चलेगा कि उसी दिन उनके घर में कोई बड़ी घटना घटी है जिसमें उनके घर का कोई सदस्य बच गया। दूसरी बात यह है कि ये भी बहुत एक महत्वपूर्ण बात है, लोग फ़ायदा ढूंढते हैं कि आखिर फ़ायदा क्या है। मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन मुझे संकोच भी नहीं है कि आप, मैं आपको ऐसे बढ़वा सनावत में कम से कम 5-6 लोग बता सकता हूँ जो कुछ भी नहीं थे, फुटपाथ पे थे, लेकिन उन्होंने डॉग्स की सेवा शुरू की और आज उनके दिन पलट गए। तो उनकी सेवा से आपको, आपके स्टेटस में, आपकी आर्थिक स्थिति में भी अकल्पनीय परिवर्तन आता है। अचानक आपके सोर्सेज डेवलप होते हैं और आप उन्नति करते हैं। तो कुत्तों को, डॉग्स को सिर्फ इसलिए खाना दें क्योंकि गाय हरा खा लेगी, चूहा खोद के खा लेगा, बिल्ली चुरा के खा लेगी, दूसरे जानवर जो सब हैं कहीं ना कहीं से प्राप्त कर लेंगे, लेकिन डॉग्स पूरी तरह से आपके ऊपर निर्भर हैं। आप देंगे तो खाएंगे और नहीं आपने दिया तो भूखे रहेंगे, और पता नहीं हज़ारों कुत्ते हर साल सिर्फ भूख के कारण दम तोड़ देते हैं। मेरा आप सबसे निवेदन है कि जहाँ तक हो सके कम से कम एक डॉग को खाना ज़रूर दें। और जो आपके यहाँ के समाज सेवी हैं, बढ़वा में भी हैं, तिवारी जी हैं, और काफ़ी लोग हैं ऐसे जो डॉग्स की सेवा करते हैं, बीमारियों का इलाज करते हैं, एक अच्छा, यदि कभी आपके पास में समय का अभाव ना हो तो एक छोटा सा NGO तैयार करें। और बहुत लोग मदद देने के लिए तैयार बैठे हैं, कई लोगों के पास में मदद देने का मादा है लेकिन समय नहीं है, उन लोगों से संपर्क करें, आपको मदद भी मिल जाएगी, थोड़ा समय आपको निकालना पड़ेगा, मैं भी समय निकालता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।